हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी फ्रेंड आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अभी मैं भी ठीक हूँ। तो मौसम थोड़ा अच्छा था तो हम लोग चले आए हैं घूमने के लिए बाहर। नहीं ठीक लग रहा हूँ, नहा धो के आया करो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, नहीं आप अच्छे लगोगे तो समझ लो मैं ही अच्छी लग रही, मैं अच्छी लगूंगी तो आप अच्छी लगे। आज से मैंने सोच लिया एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, फाइनली समझदार हो गए, फाइनली दोस्ती भी हो गई है और समझदार भी हो गए हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे की बुराई करें तो फिर अच्छे नहीं लगता ना, समझदार हो गए हैं। तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए वैसे। हाँ। मैं हूँ तारीफ के काबिल। हाँ तो सुंदर है, स्मार्ट हो। हाँ। और क्या और करूँगी तारीफ, बहुत सारे चीजें हो। चलो अब मैं तुम्हें मुँह नहीं लगाऊंगा, मुझ में ऐठन आ गई है। अच्छी है, तो मुँह किसको लगाओगे? पेड़ पत्तियों। तो आ जाओ इधर, आ जाओ बैठ जाते हैं, जहाँ आते हैं वहीं बैठ जाते हैं। घूमने आए तो घूमेंगे नहीं, बैठेंगे। आ जाओ, यहाँ की खूबसूरती है देखो, देखो कितना अच्छी अच्छी जगहें हैं। वो देखिए आप, एक जगह बैठ के स्टाफ हो जाएंगे, ये नहीं कि कुछ। वही मैं कह रहा हूँ कि ये देखो दोस्तों, घर पे थोड़ा भी जिम विम करती नहीं है तो यहाँ पे आ जाएंगे जिम करने। एक दिन में ये सारी फिजिकल वर्कआउट कर लेगी। एक दिन में सारा फिजिकल वर्कआउट हो जाएगा, देखो तो सही। कभी दोनों हाथ बराबर, कभी दोनों पैर बराबर। ये दूसरा वाली एक्सरसाइज है इनकी, पैर में बहुत बढ़िया जूते पहन रखे हैं इन्होंने। हाँ बेटा, अगर जो कहीं से फिसली तुम तो दांत ही तो टूटेंगे ना। हाँ देखो देखो देखो, अभी तो मैंने फ्रेंडशिप की थी, अभी अभी डार्ट नाइन का स्टार्ट हो गया। भैया लाली, भैया लाली होता नहीं गाँव में, बुलाते नहीं है। अगर कुछ बारिश हुई ना इसकी वजह से थोड़ा गीला हुआ है ना, गीला हुआ है। तुम पता नहीं कहाँ से निकली और हम निकले वहाँ सुखा होते, देखो इतने बहुत बढ़िया है। झूले मेरे टूट गए, दोस्त मेरे यार कहाँ गए आप? टूट गया ना एकदम से, झूले टूट गए भैया लाली। भैया लाली मेरा भाषा सुन लिए, झूले टूट गए हैं अभी। क्योंकि इस पिछली बार हम लोग आए थे तो किसी तरह झूल लेते, फाइनली एक बार अब इस बार चैन टूट गया, अब नीचे बांध दिए हैं तो इसमें ज़्यादा रिक्स हो गया, अब नहीं कर सकते। सब झूले मोस्टली टूट गए इसके। अब बच्चे लगे हैं देखो घूमने में अपने, स्माइल। यहाँ से हम भी सर के थे, इधर हमको जाना है, इधर मैं गई नहीं है अभी, एक बार भी आई हूँ तब से नहीं गई। यही लोग आ गए टनल में, टनल की तरह बना हुआ है, मेरे ख्याल से सब पेड़ इसके सूख गए हैं, पूरा ढका हुआ था इसीलिए। कहाँ आ गए हम? ये निकल जाएंगे बाहर की तरफ। बाहर नहीं, ऐसे ऐसे देखो घूम के जा रहा रास्ता बाहर, वो निकल जाएगा घाट की तरफ। नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, मतलब निकलना चाहेंगे तो निकलेगा ना, नहीं निकलना चाहेंगे तो नहीं निकलेंगे। पर बाइक हमारी वहाँ खड़ी है ना, तो हम ऐसे इसी पर टहलेंगे ना पास में। अच्छे वो देखिए, वहाँ जाना मुझे, वहाँ जाके फिर उधर चढ़ लेना मुझे। चलो तो अभी आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग खुली जगहों में, यहाँ पे हवाएं बंद हो गई हैं, फिर चढ़ना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा। उस तरफ अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, पौधे फूल के काफ़ी अच्छे अच्छे लगे ना, चढ़ाओ अब यहाँ से। मेरी उंगली बचा के, क्योंकि मैं कल इनके लिए आलू के पराठे में बना रही थी, जल गई हूँ मैं। अच्छा सिर्फ मेरे लिए बना रही थी? मैं अपने लिए भी बना रही थी, ऐसा नहीं है, पर मैं जल गई थी वो बता रही हूँ मैं। मैंने फ्रेंडशिप की है, मैंने लड़ाई करने के लिए नहीं की है। और तुम लड़कियों की आदत होती है, बड़े प्यार है, तुम लोग अपनी गलती ना दूसरों को खोपड़ी पर दे देती हो। अच्छा हाँ। गलती क्या थी? मैंने सोचा था कि पराठे ख़त्म हो गए प्लेट से, मैं ला के दे दूँ, बस इतनी तो थी ना गलती।
इसमें तो लापरवाही आपकी, इस पे तो चढ़ाना पड़ेगा ना। साथ निभाना साथिया, दोस्ती का फायदा उठा लिया, दोस्ती का फायदा उठा लिया। ओ बच्चे, अब मैं थक गई हूँ और कहीं बैठूंगी। मैं यहाँ से घूम के अभी दिखाती हूँ आपको, चल के वो वाला रास्ता मैं घूम के पार्क के पीछे पीछे से रास्ते से मैं आई हूँ। जो कहाँ गया वो, दिख ही नहीं रहा क्या? रास्ता नहीं दिख रहा वो जहाँ से मैं गई थी। फाइनल मैं इधर से गई थी और फिर उधर से मैं आई हूँ, इतना ज़्यादा घूम के। तो पति देव जाके झाड़ियों में बैठे हैं, देखो कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए। ये शेड मैंने अपने लिए बनवाया है और ये बगल में ये सब मैंने रखाया है कि तुम जैसे लोग मिलने आएंगे मुझसे, मुझ जैसे लोग, हाँ। मुझ जैसे लोग तो आके बैठ जाएंगे यहाँ पे, मुझ जैसे लोग नहीं, मतलब आप आएंगे मुझ जैसे लोग, मतलब बोलो बोलो बोलो, दूसरे लोग आएंगे मिलने के लिए, हाँ। तो वो यहाँ आमने सामने और मैं आऊंगी तो बगल में बैठ जाना, ये हुई ना बात। ये इसको कहते हैं बीवी का डर। गुड, बगल में बैठो। अभी तक कह रहे थे कि चेहरा देख के मजा आ गया। चलो, ये मेरी सीट है, ठीक है, और फाइनली ये मेरी सीट रहेगी। ये मत बताना ये मुझ जैसे लोग आके बैठेंगे यहाँ, यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि दोस्त लोग आएंगे सामने बैठेंगे तो बातचीत होगी। और फिर जब मेरी बात आई तो क्या बोला था आपने? तुम्हें ये कहा था कि तुम बगल में बैठोगी, सुनती कहाँ पूरी बात। ऐसा बैठूंगी ना, ऊपर यहाँ पे बैठे हो, गलत जगह बैठे हो। मैं हवा खुली हवाओं में जीने आई हूँ बेटा, कैद जिंदगी में बैठने नहीं आई। तो चलते आगे, मेरे चश्मा उठा लेना, ठीक है। चले चलो वो वहाँ पे चलते हैं, या तो फिर एकदम खुली जगह में आ जाओ। बैठने के लिए मैटर हो गया, देखो कितने प्यार से जाएगी अपने लिए टेक वाली कुर्सी लेके बैठेगी। देखो तुम घूमने के पर्पस से आई थी, घूमने के पर्पस से आए थे पर घूम लिया ना थोड़ा बहुत। अच्छा, एक जगह बैठ के सुकून की थोड़ा सा सांस लेने की जरूरत है ना। अच्छा, सबसे 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 जरूरी बात तो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जितने भी पार्क में वो सीट है टेक वाली, जैसा कि मैं बैठी हूँ टेक है पीछे से, तो वहाँ पे मैं बैठी थी तो ऊपर छत टाइप का था टीने का, तो वहाँ पे गर्मी लग रही थी तो मैं वहाँ से चली, तो इस कुर्सी के मतलब इस वाले पिंच के लिए कम से कम 4-5 लोग चले वहाँ से, ठीक है। फिर धीरे से कह रही, ठीक है, 4-5 चलो, हाँ, कोई ले लेगा। हाँ, जब मैंने कहा कि ले, मैं वहाँ से आई हूँ, वो देख रहा है जो छत टाइप का, वहाँ से मैं यहाँ तक आई इसके लिए कि ये खुली जगह है, यहाँ पे हवा लगेगी अच्छे से। तो मैं वो आ रहे थे पीछे से, मैं आके फट से बैठ गई तो सबका ऐसे मुंह बन गया। इतनी तेजी से आई है, कह रही जल्दी चलो वरना कोई कुर्सी ले लेगा। अब मैं बैठने के बाद बैठने के बाद सीधा इनको भी बुला रही, आ जाओ बैठो, यानी कि कोई बैठ ना सके बगल में, कब्जा करते रहो। बिल्कुल, यहाँ पे किसी का हक नहीं है, सबका हक बराबर है, जो बैठ जाएगा वो बैठ जाए, हमसे पहले कोई आके बैठता तो वो बैठता।